हाई एरीज एंड वेलकम टू फ्लोरल टाइम हाउ यू गाइज आर डूइंग एरीज थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीनस अ लॉट एरीज मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप लिंक आ नंबर मैंशन है व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करो हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस जी हाँ ए ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है इशूज़ चल रहे हैं आपको जनरली एनर्जीज चेक करनी करवानी है आप ये वीडियो देख सकते हो सो लेट्स गेट स्टार्टेड अपने पर्सन को अपने माइंड एंड हार्ट में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए एंजल्स Higher beings, ancestors, no contact reading, love reading for Aries in the month of April 2024. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you. Two of swords. Okay, current energies of your person. Eight of swords. Intention of your person. Page of cups. Uh, future action of your person. Five of Pentacles. Your energy. Seven of Wands. I hope cards are visible. And future of this whole connection, very important. Eight of Pentacles. Bottom of the deck, be think. Right, King of Swords. Interesting. Very interesting, Aries. Okay. Zodiac sign, you Gemini, Libra, Aquarius. Cancer. एंड uh, Taurus वो गो केप्रिकॉन बाकी आपका पर्सन जिस भी साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो पता हूँ मुझे ओवरऑल क्या दिख रहा है मुझे ओवरऑल दिख रहा है कि समवन इज नॉट पुटिंग एफर्ट्स ये आपका पर्सन है वो एफर्ट्स नहीं डाल रहा है रिलेशनशिप में इस कनेक्शन में जिस वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई है प्यार बिल्कुल भी नहीं है इस पूरे कनेक्शन में एंड Ego battle. बहुत ईगोस्टिक है आपका ये पर्सन आप भी कम इगोस्टिक नहीं हो इज़ आप भी बहुत ज़्यादा हो And, uh, what seeing is that कि कुछ बैठ नहीं रहा है जेन्युन एफर्ट जेनुइन केयर एक जो होता तो तो है ना जेनुइन एनर्जी वो बहुत मिसिंग दिख रही है आपका पर्सन जेनुइन नहीं है आपका पर्सन जो भी कुछ भी कर रहे हैं ना बड़े बड़े फोनी बड़े फेक किस्म का है ये पर्सन ओके

ओवर थिंकिंग दोनों की ओवर थिंकिंग चल रही है दोनों मतलब जो सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है जो सिचुएशन है ही नहीं उसके बारे में सोचना नेगेटिव सोचना ओवर थिंकिंग करना ओवर एनालिसिस करना ये आप दोनों कर रहे हो देखो ये मैं अभी इनके एनर्जी में भी आऊंगी कब कॉन्टैक्ट करेंगे कब नहीं दोनों ना मेरे हिसाब से दोनों एक मेंटल बैटल में है दोनों सोच रहे हैं दोनों ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बट एक्शन कोई नहीं लेना चाहता है कहीं ना कहीं कही कही एक रियलाइजेशन हो रहा है वो बहुत अलग है आप दोनों ना बहुत बहुत हाईली ऑपोजिट लोग हो ये भी मुझे दिख रहा है एक देंस ऑफ रियलाइजेशन भी है कहीं ना कहीं आप दोनों को कि दिस विल नॉट वर्क ये लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है हम दोनों का कोई फ्यूचर हो नहीं सकता है क्योंकि हम दोनों अलग लोग हैं कहीं कहीं ना मुझे दिख रहा है किसी के फादर या तो ये आपके फादर हो सकते हैं रीज या ये पर्सन के फादर हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर हो कन्फ्लिक्ट मेंटल कन्फ्लिक्ट और कहीं ना कहीं कही आप दोनों ही डेस्टिनी को ब्लेम कर रहे हो दोनों ही कह रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा एंड बैठ मतलब बैठे हुए हो एक्शन नहीं ले रहे हो दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज सी ये पर्सन आपको कॉन्टेक्ट करते हुए दिख रहा है बट जो चांसेस हैं वो बहुत लो हैं आई एम टेलिंग यू यू विद 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 इन इन आई एम टू डेज दिस पर्सन विल बट जो होगा ना इस पर्सन का एरीज, वो कोई ठोस काट नहीं होगा कॉन्टेक्ट होगा एक्शन तो आप अगर इनसे एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इस पर्सन से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो रीज की ये मुझे कमिटमेंट देंगे ये मुझे टाइम देंगे ये मुझे एफर्ट्स देंगे मुझे गिफ्ट देंगे मुझे पैम्पर करेंगे द आंसर इज नो बट कुछ ठोस नहीं दिख रहा है कुछ कमिटमेंट नहीं दिख रहा है कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है a lack of action पूरे केस में. See, जो लोग भी हुआ वो कम से रिलेशनशिप सबकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है ना राइट एडीज की मेरा पार्टनर ऐसा हो मेरा पार्टनर मेरे लिए ऐसा करे मैं उसके लिए ऐसा करूँ एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है

उन्हें ये अपने ये पर्सन अपने आप को ब्लेम कर रहा है उन्हें लग रहा है कि मेरी ही वजह से एरीज चला गया है मेरी लाइफ से मेरे अंदर ही कोई कमी है जिस वजह से मेरे, ये रिलेशनशिप फुलफिल नहीं हो पा रहा ये कनेक्शन नहीं बन पाया दे आर ब्लेमिंग दम सेल्फ इन देयर करेंट एनर्जीज ऑल्सो फॉर यू कहीं ना कहीं ये पता हूँ बहुत कन्फ्यूज पर्सन है बहुत कन्फ्यूज पर्सन है ये इन्हें पता ही नहीं है कि इन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मेंटल क्लैरिटी नहीं है थॉट प्रोसेस में एक्शन में क्लैरिटी नहीं है

दिस पर्सन देर इंटेंशन टूवर्ड्स serious कुछ ठोस एक्शन नहीं दिख रहा है एंड इंटेंशन कहीं ना कहीं बस ये चाहते हैं कि आपसे बात कर लें आपके साथ टाइम स्पेंड कर लें आपके साथ घूम लें आपके साथ फिर लें टॉकिंग अबाउट कमिटमेंट क्या तुम कमिटमेंट दोगे इज नो क्या तुम मुझसे शादी करोगे नो no. फ्यूचर को लेके क्या सोचे आंसर इज नो इंटेंशन जो है ना इनका

So, is a, is a kind of a सिर्फ मजे करने हैं जो आज में जीते हैं कल के बारे में क्या होगा कल क्या होगा वो कल के ऊपर डालते हैं इंटेंशन है। में कहीं ना कहीं सीरियसनेस नहीं है आपके लिए यस दे वांट टू टॉक टू यू ये देम विथ यू बट कमिटमेंट एक्शन नहीं करना चाहते आपकी मेरी सबसे एक छोटी डिमांड हो गई की मेरा पर्सन जब भी मुझे मिले एक फ्लावर ला दे

आपकी तो लड़ाई की एनर्जी है आपकी एनर्जी में तो हम आएंगे आप लड़ाई करोगे आप फाइट करोगे आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे ये कह ये घोस्ट कर देंगे आपको ये बिल्कुल बात करनी बंद कर देंगे एंड फ्यूचर एक्शन इज नथिंग फ्यूचर एक्शन में ये भागते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ से ये आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं ऑल्सो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में मैं यही बोलूंगी इनकी लाइफ में भी बहुत तकलीफें चल रही हैं और अगर इनकी लाइफ में तकलीफें चल रही हैं फाइनेंशियल इशूज हैं करियर को लेके इशूज हैं ये इशूज बढ़ने वाले हैं इनकी लाइफ में जीज so, ये आपके ऊपर नहीं कर पाएंगे ओवरऑल मैं ये बोलूंगीट दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यूर कमिटमेंट दिस पर्सन दिस पर्सन इज डिल्यूजनल ये पर्सन सिर्फ अपने माइंड में रहते हैं सिर्फ माइंड में माइंड में माइंड में बस सिर्फ सोचते, रहते, सोचते रहते सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं एक्शन के नाम पर ये भाग खड़े उतरते

आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये घोस्ट कर देते हैं फिर आ जाते हैं फिर घोस्त कर देते हैं फिर कमिटमेंट की बात करते हैं जब कमिटमेंट की बात होती है तो भाग जाते हैं यू डन विद दिस पर्सन एड अगर आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो आपको लग रहा है कि क्या चल रहा है प्लीज मूव ऑन करो दैट्स द ओनली सोल्यूशन ब्लॉक करो मूव ऑन करो ब्लॉक करो एंड मूव ऑन करो क्योंकि ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी में बहुत टाइम से हो आई एम सींग एटलीस्ट दो से तीन महीने आप इस फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी में हो यू डोंट डिजर्व दिस ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है आपकी दूसरी लाइफ में करियर में फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं यू आर ऑल्सो डीलिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स और आपको कही कहीं ना कहीं ये कि मेरी लाइफ में मेरा करियर भी खराब है मेरी फैमिली लाइफ भी खराब है वट बट जो ये पर्सन है वो मुझे मेरा साथ नहीं दे रहा है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है गुड फॉर नथिंग किस्म का पर्सन है तो इट इज इफ यू रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो वाई आर यू स्टक मूव ऑन करो मूव ऑन करो इट्स बेटर टू स्टे सिंगल रादर देन डीलिंग विद दिस मेंटल कन्फ्लिक्ट मैं सच बता रही हूँ एरीज ये जो मेंटल कन्फ्लिक्ट होता है ना बहुत खराब होता है इट इज अ टॉर्चरिंग इट 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 फील्स पथेटिक बहुत खराब लगता है तो जब वो जब आप उस फीलिंग से निकलते हो ना यू फील रिलीव यू फील कि कितना बड़ी टेंशन हटी एंड यू डिजर्व सम वन एरीज जो आपको वो वो सपोर्ट दे वो केयर करे ये नहीं कि गुड टाइम कि घूम लिया कॉफी पी ली मूवी देख ली घर आ गए उसके अलावा तुम कौन मैं कौन कमिटमेंट के नाम पे तुम भाग गए अच्छा टाइम स्पेंड करना है भाई हम अकेले टाइम स्पेंड कर लेंगे बट तुम अगर कमिटमेंट मुझे नहीं दे सकते हो तुम कुछ नहीं कर सकते तो जाओ यहां से भाई मैं अकेले अकेले एंजॉय कर लूंगा सो तो बहुत ही बहुत बहुत अजीब किस्म का पर्सन है ये ये ऐसे ही है कि इनको सिर्फ डेट करना है कैजुअली और कुछ नहीं करना बस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं यही और मुझे ये भी एक पैटर्न दिख रहा है एरीज, की ये, अभी का नहीं है। ये सालों से पैटर्न चल रहा है मेरे हिसाब से इस पर्सन ने पास में भी आपको कमिटमेंट का प्रॉमिस किया होगा फिर ये भाग गए फिर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया भाग गए फिर ये वापस आए अरे तुम मुझसे बात कर लो अरे तुम मेरे साथ घूम लो बात करने में क्या जाता है घूमने में क्या जाता है ये फिर आ गए फिर, फिर आपको कमिटमेंट का प्रॉमिस देखे फिर आपको कुछ लालच के उसमें फिर आप वेट करते रहे फिर आप मुझे लग रहा है दो तीन महीने से आप वेट ही कर रहे हो आपको लग रहा है कि क्या है इस इस का? आपने इस को चांसेस दिए, अब नहीं देना है आपको फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन इज एट ऑफ कॉइंस सी मुझे ये दिख रहा है कि ये अपने करियर में बिजी होने वाले आप अपने करियर में बिजी होने वाले हो आप अपना पैसा कमाओगे वो अपना पैसा कमाओगे

कुछ सॉलिड नहीं होने वाला है बाकी सीरियसली दिस वाज अ लव लाइफ रीडिंग सीरियसली कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरेंटारो रीडर बाय